मैं समझता हूँ कि आप देखिए, आपकी मामा बार बार टोकन किया कंसाली आदत नहीं दाओगी आपकी, रुक जाओ आप, है ना। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि भाई आपने उन दोनों के कार्य करने के तरीके को भी देखा है, आपने उन दोनों के कार्य करने के तरीके को भी देखा है, और जब वो तरीका आपने देखा है कोई नहीं, उन्होंने किसी तो के मैं चाहूंगा कोई बात कि आप उन दोनों बैठ जाओ भाई, आप ये बैठ जाओ ना, क्या सभी सदस्य सभी मान्य सदस्य अपने विषय पर रहे, विषय पर क्या हर चीज पे छोटी छोटी चीजों पे बोल, क्योंकि बाकी चीजें बोलने के लिए समय मिलेगा। जो पहले हमारे दो सम्मानित स्पीकर यहाँ पे रहे, ए भाई साहब वो शब्द मामन जी बैठ जाओ भाई। सर आपने पहले भी इस सदन में वो शब्द डिलीट हो जाएगा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल देखा है और उसको बहुत अच्छे से समझा भी है। ये औथ के लिए आए तो इन्होंने कहा मामा जी नमस्ते, मुखाबिन नमस्ते, तो इनका कसूर नहीं है जी, ये मेरा भांजा है और वो हमारी बहन कहती थी जब ये छोटा था ना जी, तो जो उछल के पड़ता था, मुर्गी बोलती है तो मुर्गियों के शोर से उछल के पड़ता था, तो वो बोली भाई साहब इसका कोई दवाई लाओ ना, यो उछल के बहुत पड़ता है, तो इसका सारा कसूर माफ है जी, ये जो कुछ कहता है वो भी माफ है, लेकिन इन्होंने जो है ना जी पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है स्पेशलिस्ट टू दी चेयर की प्रशंसा, चेयर को मुबारकबाद, चेयर से इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पार्शियल बिहेवियर की एक बात करनी चाहिए थी वो, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रणबीर गंगा जी देखिए, एक आप अध्यक्ष बने हैं हमारे को बहुत खुशी है, मैं हमारा भी बहुत तजुर्बा है, एक मूल मंत्र दे रहा हूँ इस हाउस का, मैं सारे सदनों को जानता हूँ, सदस्यों को जानता हूँ, जो पुराने हैं, नए को तो अब नहीं जानता, लेकिन जितने पुराने हैं एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, दो आदमियों को आप कंट्रोल रखोगे बहुत ठीक ठाक चलेगा, एक अनिल विज, एक महिपाल डांडा, इनको ठीक रखेगा।